अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। सो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं और अब तक मुझे नहीं जानते तो उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है खान ऐश और मैं मेकअप से रिलेटेड वीडियोस, DIY, होम रेमेडी और हिजाब ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ। मेरे चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा, तभी मेरे चैनल का नाम मैंने ऑल इन वन रखा है। सो बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर करते हुए मेरी आवाज़ पे ज़्यादा फोकस करें, तभी आप लोग को बिल्कुल अच्छे अच्छे समझ आएगा कि मैंने ये लुक किस तरह क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ट्रेडिशनल वेडिंग लुक मैंने जो क्रिएट किया है, कि ये आजकल ब्राइड्स पे जो ये लुक होता है, अगर आप इसको थोड़ी सी हैवी लैशेज अप्लाई कर लें तो ये डेफिनेटली आप किसी भी ब्राइड को ये वाला आई लुक क्रिएट करवा सकते हैं। किसी भी इंगेजमेंट ब्राइड, वलीमा ब्राइड या फिर बारात की जो ब्राइड होती है, उसको ये लुक जो है आप आराम से घर बैठे बैठे दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सिंपल स्टेप के साथ मेकअप करना सिखाती हूँ और ख़ुद भी सीख रही हूँ, साथ साथ आप लोगों को भी सिखा रही हूँ, क्योंकि सीखने से ही इंसान जो है आगे बढ़ता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया सीखना तो प्लीज़ आज से ही आप लोग स्टार्ट कर लें, तभी जाके आप कोई अच्छा गोल अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है, सबसे पहले मैंने अपनी आईब्रोज़ को बना लिया और आईब्रो ट्यूटोरियल किस तरह मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल आउट करती हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर लें। ट्रेडिशनल लुक के लिए मैंने टेप अप्लाई की है, ये आम सी टेप है जो मैंने अप्लाई की है। इसके बाद ग्लैमरस की किट का जो पिंक वाला शेड है वो मैंने अपने जो है क्रीज पर अप्लाई करूँगी, जो मेरी अपर बोन है उस पर मैं अप्लाई करूँगी। और मैं वीडियो को फास्ट कर देती हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी चले और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट चलाया, लेकिन मैंने किया बहुत हल्का हल्का किया था। सो यहाँ पे जब पिंक कलर अच्छे से अप्लाई हो गया और चारों तरफ ब्लेंड हो चुका है, इसके बाद जो है मैंने पेंसिल ब्रश की मदद से ब्लैक कलर लिया है और ब्लैक कलर को पिंक कलर के नीचे जो क्रीज दिखाई दे रहा है, जहाँ से आँख खुल रही है आप देख सकते हैं, इस तरह डैब डैब करके मैंने ब्लैक कलर अप्लाई किया। और कभी भी बहुत ज़्यादा कलर जो है पिकआउट मत किया करें, तो मेरी तरह आपका भी हो जाएगा इस तरह हशर। तो खैर, अब इसको मैं एक एम्प्टी ब्रश की मदद से जो है ब्लेंड करूँगी और जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतना अच्छा आप लोगों का आई लुक जो है दिखेगा। अच्छे से मेरे सारे कलर ब्लेंड हो चुके हैं। इसके बाद मैंने बीच में जो सेंटर पार्ट था उसमें गोल्डन कलर अप्लाई कर लिया। गोल्डन कलर अप्लाई करने के बाद अब मैं जो है थिक सा आई लाइनर अप्लाई करूँगी, क्योंकि ब्राइड्स पे थिक लाइनर बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ा सा इसको मैंने विंग का शेप दिया है, बहुत ज़्यादा लंबा विंग नहीं लेके गई हूँ। इसके बाद जो है लैशेस अप्लाई करूँगी। लैशेस के बाद मैं अपनी आँखों में काजल अप्लाई करूँगी और जो है हाइलाइटर अप्लाई करके टीका और हिजाब वेयर कर लूँगी। और ये है मेरा फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और अगर आपकी कोई और नई फरमाइश है तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बता दिया करें और लाइक और कॉमेंट ज़रूर किया करें। मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।